Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. फिल्म अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म संजू बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और यह अभी भी दर्शकों के बीच सिनेमाघरों में दिखाई दे रही है। बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के आंकड़े अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 320 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया। नई खबर ये आ रही है कि अब राजकुमार हिरानी के बाद फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने संजय दत्त के जीवन पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार अब फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा संजय के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय दत्त के जीवन पर बन रही इस फिल्म में संजय और उनके द्वारा AK-57 रखने से जुड़ी बात को मुख्य धारा में रखा जाएगा। इस फिल्म का अभी के लिए नाम संजू द रियल स्टोरी होगा। इसके पीछे कारण यह है कि एक और संजय के जीवन पर बनी फिल्म संजू जहां बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं फिल्म संजू के माध्यम से संजय की छवि सुधारने की बात भी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म संजू में उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से संजय के जीवन की सभी बातों को उजागर नहीं किया। सूत्रों के अनुसार संजय के जीवन से जुड़ी इसी विषय पर राम गोपाल वर्मा की फिल्म आधारित होगी। इस बारे में उन्होंने कहा है कि वे इस फिल्म को बनाएंगे। राम गोपाल वर्मा इसके लिए इस विषय से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि वह इन सब पर गहन अध्ययन कर सके। इस मौके पर जब राम गोपाल वर्मा से यह पूछा गया कि इस फिल्म में वह किसे संजय दत्त की भूमिका में लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हालिया फिल्म संजू में रणबीर कपूर ने संजय की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है, इस पर राम गोपाल वर्मा ने अभी इंतजार करने की बात कही है।